हेलो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आपको जानकारी होगी, कल ही माध्यमिक का एडवर्टाइजमेंट आया है और उसमें आपके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो गई है। वहाँ जो प्रोसेस है, भर्ती प्रोसेस, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके वैकेंसीज जो है वो बम्पर हैं। 269 तो पीजीटी में आई है, पीजीटी इंग्लिश में, और लगभग 1500 1500 से ऊपर वैकेंसी जो है वो टीजीटी में, और आपके लिए गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस इस सेंस में है क्योंकि इतनी वैकेंसीज जो है वो कभी कभी आती है। और फ्रेंड्स, अब आई होप आपका जो जोश है वो भी डबल हो गया होगा, तैयारी आप पूरी कर रहे होंगे। और देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हम जो पढ़ रहे हैं, मेरी जो 3 बार मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया है, उसका जो सारांश है, उसकी जो समरी है, कहाँ मेरी फेलियर्स रही हैं, कहाँ मेरे प्लस पॉइंट्स रहे हैं, उनको लेके मैंने जो आपको नोट्स वो मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, और आप वीडियो के माध्यम से उनको देख भी रहे होंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा, और मैं कह सकता हूँ कि जब आपका टीजीटी का रिटन एग्जाम होगा तो आप पाएंगे कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इन वीडियो लेक्चर से मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, शर्त एक है कि आपको लेक्चर पूरा देखना चाहिए। हो सकता है आप पूरा देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन फ्रेंड्स, चूंकि टू द पॉइंट सारी चीजें वहां बताई गई हैं, तो आपको जो भी आप देख रहे हैं पूरा देखिए, टिल लास्ट आप उसको देखेंगे तो कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि लेक्चर को मैं लेंथी बना ही नहीं रहा हूं, मैं लेक्चर को केवल सीधा टू द पॉइंट आपको दे रहा हूं, ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। तो चलिए, फिर से एक बार आपको बेस्ट विशेस मेरी ओर से, तैयारी बढ़िया शुरू कर दीजिए। आप देखिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लिटरेचर, 2 घंटे आपकी वोकैब, और 1.5 घंटा लगभग आपका इंग्लिश ग्रामर। आपका जो शेड्यूल है, ये अगर आपने अब से लेकर और एग्जाम तक ये 5 आवर्स का टाइम आपने पर डे निकाल लिया, तो आपका सिलेक्शन दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, आज हम आगे बढ़ाते हैं अपने जो हम पार्ट्स ऑफ पोएट्री पढ़ रहे थे, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, उसमें हम आज डिस्कस करेंगे बैलेड को। देखिए, बैलेड की अगर बात है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कहाँ से आया। ये एक इटालियन वर्ड है, और इटालियन वर्ड में बेलेयर है। क्या है फ्रेंड्स? इटालियन बेलेयर। इस बेलेयर वर्ड से इसकी ओरिजिन हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है, और बेलेयर का जो मतलब होता है वो होता है फ्रेंड्स टू डांस, यानी नाचना। एक बार क्वेश्चन आया भी है, ये तो मुझे ध्यान नहीं टीजीटी में या पीजीटी में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बैलेट की ओरिजिन कहाँ से हुई है। और जितने भी ये टर्म्स आप पढ़ रहे हैं, सबकी ओरिजिन आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ओरिजिन मैं सबकी दे रहा हूं, किसी की भी मिस नहीं कर रहा हूं, आप इनको याद करते रहिएगा साथ साथ। देखिए, बैलेट के मीनिंग की अगर बात करें तो बैलेट जो है, जैसे यहाँ टू डांस दिख रहा है, तो अगर हम कहें तो बैलेट का जो मीन्स होगा वो क्या होगा? अ डांस सॉन्ग। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बैलेट मीन्स अ डांस सॉन्ग। बैलेट एक डांस सॉन्ग होता है। दूसरी चीज ये है, संग बाई वॉन्डरिंग सिंगर्स। ये क्या होता था, जो सिंगर्स होते थे, जो घुमक्कड़ सिंगर्स होते थे, वो अपने गले में हार्प या फिडल वो डाल लेते थे, और गीत गाते हुए वो यहां से वहां, एक गांव से दूसरे गांव वो जाया करते थे। कई बार वो सिंगल भी होते थे और कई बार वो समूह में होते थे, ग्रुप्स में होते थे। और फ्रेंड्स, ये गाना उनकी रोजी रोटी का साधन। तो वो गाते क्या थे, हार्प या फिडल पे वो बैलेड को गाते थे। और बैलेड में होता क्या था, बेसिकली जो उस देश के हीरोज होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उन लीजेंडरी हीरोज की जो हिस्टोरिक और लीजेंडरी जो हीरोज हैं उनकी कहानियां वो सुनाते थे। किसके माध्यम से? बैलेड के माध्यम से। क्लियर फ्रेंड्स? तो दूसरी बात, यहां दूसरा पॉइंट निकल के आया कि संग बाई वॉन्डरिंग सिंगर्स।
और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो गाया जाता है बैलेड, ये हार्प या फिडल पे गाया जाता है। हार्प और फिडल, क्लियर है फ्रेंड? जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रू ये फॉर्म्स ऑफ पोएट्री रही हैं, ये आप अगर कोई स्पेशली किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे गाई जाती है तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें क्या करते थे, वो ग्लोरीफाई द ब्रेव डीड्स एंड हेरोइक एक्सप्लॉइट्स ऑफ हिस्टोरिकल और लीजेंडरी हीरोज। क्लियर फ्रेंड्स? ग्लोरीफाई द ब्रेव डीड्स देखिए, वहां वो क्या करते थे, जो ब्रेव डीड्स मींस जो उनकी बहादुरी की गाथाएं हैं, या हीरोइक जो उनके एक्सप्लॉइट्स हैं ऑफ हिस्टोरिकल और लीजेंडरी हीरोज। क्लियर फ्रेंड्स? बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो लीजेंडरी हीरोज होते हैं या हिस्टोरिकल हीरोज होते हैं, उनकी कहानियों को, उनके बहादुरी के किस्से वो गाया करते थे। अब चूंकि फ्रेंड्स, जो भी पोयम गाने के लिए बनी होती है तो उसकी एक कंडीशन होती है कि वो उसके जो स्टेंजा होते हैं वो छोटे स्टेंजा होते हैं, बहुत बड़ी फॉर्म वो नैरेटिव फॉर्म में नहीं होती। तो इसीलिए जो बैलेड है, बैलेड भी 4 लाइन की एक पोयम होती है, यानी 4 लाइन का स्टेंजा होता है। सॉरी, पोएम नहीं कहते, कह सकते 4 लाइन की, ये 4 लाइन स्टेंजा में बनी होती है। तो यूजुअली इन 4 लाइन स्टेंजा, एक पॉइंट ये निकल के आता है यूजुअली इन 4 लाइन स्टेंजा। क्लियर है फ्रेंड्स? अब जो स्टेंजा होता है उसको मैं टेक्निकली बता दूं कि वो क्वाट्रेन होता है, वो क्वाट्रेन्स में है। क्वाट्रेन्स मीन्स 4 लाइन स्टेंजा को क्वाट्रेन कहते हैं, और वो आयमिक मीटर में लिखा होता है। क्लियर? 4 लाइन स्टेंजा और यू कैन से क्वाट्रेन, एंड क्वाट्रेन तो हमने कह दिया, और रिटन इन आयमिक मीटर। देखिए, आयमिक मीटर में लिखा होता है, ये भी एक टेक्निकली चीज है आपको याद करने के लिए कि वो किस में लिखे होते हैं, आयमिक मीटर में होते हैं। अब जो सेकंड और सॉरी फर्स्ट और थर्ड लाइन है वो 4 आयमिक फीट होते हैं उसमें, और जो सेकंड एंड थर्ड लाइन है, सेकंड और फोर्थ लाइन है उसमें होते हैं फ्रेंड्स 3 आयमिक फीट। तो चलिए ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन इसमें कितने होते हैं फ्रेंड्स, 4 आयमिक फीट। और जो आपकी सेकंड और फोर्थ लाइन है उसमें होते हैं 3 आयम्बिक फीट। प्रोसोडी में हम नहीं जा रहे हैं, इसको आयम्बिक क्या है कैसे है उसको हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह से पूछा भी नहीं जाता हमारे एग्जाम में। ठीक, हमारा जो पॉइंट, हमारा जो पर्पज है वो है एग्जाम ओरिएंटेड। क्लियर? तो हम अपने एग्जाम की, अपने मतलब भर की बात करें। और एक खास बात ये थी इसकी कि इसकी जो लाइंस होती है, सेकंड और फोर्थ लाइन जो है वो राइम करती है बैलेट की। क्लियर फ्रेंड्स? यानी सेकंड एंड फोर्थ लाइन राइम टुगेदर। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? डांस सॉन्ग है, वांडरिंग सिंगर्स गाते थे एक गांव से दूसरे गांव, रोजी रोटी का उनके साधन था, हार्प और फिडल पे गाई जाती है, और जो लीजेंडरी या हिस्टोरिकल हीरोज है उनके ब्रेव डीड्स, उनके बहादुरी के किस्से इस पे गाए जाते हैं। लगभग ये यूजुअली 4 लाइन स्टेंजा होते हैं जिनको हम क्वाट्रेन कहते हैं, और वो आयमिक मीटर में लिखे होते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन 4 आयमिक फीट होते हैं इसमें, सेकेंड एंड फोर्थ लाइन में
थर्ड आयम्बिक फीट होते हैं, और सेकंड और फोर्थ लाइन जो है वो आपस में राइम करती है। क्लियर फ्रेंड्स बात। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि सबसे जो पहली बैलेड है, अर्लीस्ट बैलेड कौन सी पोएम को माना जाता है, तो इसमें एक नाम आता है चेवी चेज का। क्लियर, चेवी चेज, ये अर्लीस्ट बैलेड मानी जाती है, यानी सबसे प्राचीन ये बैलेड मानी जाती है। और बैलेड कैसे होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये अगर जाननी है तो आपने एक पोएम पढ़ी होगी, ला बैलेड एंसेंस मर्सी बाई कीट्स। तो वो बैलेड है, क्या है, बैलेड की फॉर्म में वो लिखी हुई है। क्लियर, तो अगर हम बैलेड के एग्जाम्पल की बात करें तो हम सबसे पहले तो यही लेंगे, ला बैले डेम सेंस मर्सी, अ बैलेड बाय जॉन कीट्स। इसके बाद बैलेड में आपका नाम आता है राइम ऑफ एंसेंट मारिनर, बड़ा फेमस नाम है, राइम ऑफ, और इस पोयम को देख के आपको कुछ और याद आया होगा, कुछ आया कि नहीं आया, ये पोयम लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई थी। और कौन सी पोयम थी, सबसे पहली पोयम थी लिरिकल बैलेड की, किसने लिखी, एस टी कॉलरिज ने लिखी। क्लियर है फ्रेंड्स, तो ये कुछ बैलेड के एग्जाम्पल हुए, दो तीन चार मैंने एग्जाम्पल दिए आपको, आई होप बैलेड आपको क्लियर हुआ। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लास्ट फॉर्म है पोएट्री की, सटायर। सटायर फ्रेंड्स, नेक्स्ट फॉर्म पोएट्री की आती है सटायर, और देखिए सटायर एक्चुअल में ये पोएट्री की फॉर्म है, ये आपकी प्ले की फॉर्म हो सकती है, और इवन ये प्रोज फॉर्म हो सकती है। क्लियर फ्रेंड्स, यानी ये तीनों में ही, प्रोज पोएट्री और ड्रामा तीनों की ही फॉर्म होती है, तीनों में ही ये हो सकती है। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो एक लेटिन वर्ड है सेटायरा, लेटिन वर्ड से आया है, सेटायरा से। क्लियर फ्रेंड्स, और ये लेटर फॉर्म ऑफ सेचुरा मेडले, बाद में ये क्या हुआ, सेचुरा मेडले हो गया, और सेचुरा मेडले का मतलब जो तो होता है, जो मेडले होता है उसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ म्यूजिकल आइटम्स। क्लियर, अब ये है क्या सटायर, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि नॉट कंफाइंड टू एनी फॉर्म ऑफ लिटरेचर, कि ये लिटरेचर की किसी भी फॉर्म में कैद नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म का हिस्सा ये नहीं है, पहली बात, अर्थात ये अब पर्टिकुलर फॉर्म का हिस्सा नहीं है, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इट मे अकर इन एनी फॉर्म ऑफ प्रोज पोएट्री और ड्रामा। तो सबसे पहला पॉइंट यही बनता है हमारा कि इट मे अकर इन प्रोज, मीन्स प्रोज की फॉर्म हो सकती है, ये पोएट्री की फॉर्म हो सकती है, और ये ड्रामा की फॉर्म हो सकती है। क्लियर है फ्रेंड्स, इसके बाद इसका जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो क्या है, टू रिडिक्यूल सम फॉली और वाइस फॉर रिफॉर्मेशन। सेटायर के माध्यम से राइटर करता क्या है, वो कोई भी जो बीमारी होती है, बीमारी से मतलब है समाज में कोई बीमारी फैल रही है, अर्थात कोई बुराई फैल रही है, उस बुराई को वो अपनी जो उसका वर्क है, जो कंपोजिशन है, उसमें वो उसको सेटायर के माध्यम से वो लेता है, अर्थात वो परिहास करता है उसका, उसका मजाक उड़ाता है, और किस सेंस में उड़ाता है, ताकि उसमें कोई सुधार हो जाए। क्लियर, यानी सटायर का जो पर्पज होता है वो होता है सुधार लाना, तो रिडिक्यूल करता है वो किसी फॉली को या वाइस को, प्रिंसिपल फंक्शन इज टू रिडिक्यूल सम फॉली और वाइस। इज टू फॉली और वाइस, फॉली कहते हैं फ्रेंड्स कोई गलती, और वाइस कहते हैं जो वर्च्यू का ऑपोजिट ये वाइस है, वाइस का मतलब होता है बुराई, गलती या बुराई को। क्लियर हो गई बात, और किस सेंस के लिए, सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर है कि फॉर रिफॉर्मेशन, ताकि उसमें सुधार हो जाए, समाज में कोई बुराई प्रचलित है, उस बुराई को राइटर ने अपने वक्स में लिख दिया, और लिख दिया, लिखने के बाद वो क्या होता है, वो सेटायर बन जाता है, और फिर वो उसमें सुधार कहीं ना कहीं वो हो जाता है।
अब प्लेज ऑफ ग्रीक ड्रामेटिस्ट एरिस्टोफेन्स का नाम आता है। तो एरिस्टोफेन्स जो थे उन्होंने जो लिटरेचर दी है, जो लिटरेचर लिखी है, वो सारे सटायरिकल लिटरेचर है, वो यानी मास्टरपीसेस है किसके, एरिस्टोफेन्स के। क्लियर फ्रेंड्स? यानी प्लेज ऑफ ग्रीक ड्रामेटिस्ट एरिस्टोफेन्स बड़े प्राचीन रहे हैं, बहुत पहले ये रहे हैं। आर मास्टर पीसेस ऑफ सटायरिकल कंपोजिशन, सटायरिकल लिटरेचर। यानी एक पॉइंट यहां निकल कर आता है कि जो ग्रीक ड्रामेटिस्ट एरिस्टोफेन्स थे उनके जो प्लेज हैं वो मास्टर पीसेज हैं सटायरिकल लिटरेचर के। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? अब ये तो थी बात ग्रीक की, लेकिन अगर हम बात इंग्लिश की करें तो इंग्लिश में सबसे बड़ा नाम आता है, ग्रेट सटायरिस्ट ऑफ इंग्लिश का जो नाम आता है वो आता है जॉन ड्राइडन का। क्लियर? तो यू कैन से ड्राइडन द ग्रेटेस्ट मींस सबसे महान, और सबसे महान जो सटायरिस्ट है। क्लियर फ्रेंड्स? यानी यू कैन से ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट ऑफ इंग्लैंड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश और इवन कोई एक ही वर्क नहीं कह सकते, इन्होंने जितने भी वर्क्स लिखे वो सारे के सारे क्या हैं, वो सटायरिकल हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? और इसके बाद आपका पीजीटी के सिलेबस में राइटर है टीएस इलियट। टीएस इलियट का वेस्टलैंड, वेस्टलैंड भी क्या है, एक सटायर है, द वेस्टलैंड इनका मास्टरपीस है वेस्टलैंड। हमने इस पोएम को पढ़ा भी अपने सिलेबस में। तो ये क्या है, एक सटायर है, स्पिरिचुअल डार्थ इन कंटेम्पोरेरी लाइफ, जो स्पिरिचुअल डार्थ देखिए, स्पिरिचुअल कहते हैं आत्मिक और डार्थ कहते हैं कमी। क्लियर? यानी जब धर्म का अभाव हो जाता है तो उसको हम नाम दे देते हैं स्पिरिचुअल डार्थ, धार्मिक जो प्रवृत्ति है लोगों की वो डाउन हो जाती है। तो उस डार्थ को यहां वेस्टलैंड के माध्यम से बताया है। इसके बाद एक राइटर रहे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, शॉ का एप्पल कार्ट है, जी बी शॉ इनका है द एप्पल कार्ट। एप्पल कार्ट आपने पढ़ा हो और ना भी पढ़ा हो तो नाम जरूर सुना होगा आपने। ये क्या है, एक डेमोक्रेसी पर, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है फ्रेंड्स उस डेमोक्रेसी की जो वर्किंग है वो कैसे काम कर रही है उस पे एक सटायर है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेप ऑफ द लोक की, तो रेप ऑफ द लोक एक पोप की पोयम है, और ये क्या है, जो फॉल्स गैलेंट्री है और मीनिंगलेस स्प्लेंडर है उस सोसाइटी का, उस पर एक सटायर है। क्या है, रेप ऑफ द लोक और पोप्स। तो ये कुछ सटायरिकल वर्क मैंने आपको बता दिए और ये भी बता दिया कि किस पे ये सटायर है। क्लियर फ्रेंड्स? अब इसके बाद जो बात निकल कर आती है वो ये आती है कि जो सटायर है उस सटायर में सबसे पहला सटायर किसको माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट सटायर माना जाता है पियर्स द प्लोमैन को। पियर्स द प्लोमैन एक लैंगलैंड की लिखी हुई, लैंगलैंड का एक वर्क है, उसको फर्स्ट सटायर माना जाता है। चलिए यहां लिख देता हूं मैं, पियर्स द प्लोमैन, और राइटर है फ्रेंड्स इसके लैंगलैंड, विलियम लैंगलैंड, इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। क्लियर? पियर्स द प्लोमैन लैंगलैंड, और ये क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट सेटायर इस वर्क को माना जाता है। तो फ्रेंड्स हमने सीखा सेटायर, इससे पहले हमने सीखा बैलेट। क्लियर? तो हमारी अब ये पोएट्री की जो फॉर्म्स हैं ये कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्रामा और ड्रामा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।